मेरी उड़ान अभी बाकी है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिले जमीन भर नहीं आसमां अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर की खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। इसी के साथ सभागार में उपस्थित सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आज का दिवस ये आपको सुनहरी यादें बटोरने में और आप यहाँ से सारी यादें समेट के लेके जाएं, यही आशा करते हैं हम सब। पूरे विश्व में लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए हर साल हम मेज प्रयांगण में एकत्रित होते हैं और बड़े ही उल्लास से इस पर्व को मनाते हैं। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। आज उसी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए हम इस सभा में उपस्थित सभी का स्वागत खुले दिल से करते हैं। सबसे पहले प्रणाम उस परम पिता परमेश्वर का, उस ज्ञान की देवी का और प्रणाम उन शहीदों का जो कहते हैं मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, मैं मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। नमन उन शहीदों को भी जिन्होंने पुलवामा में अपने प्राण त्याग दिए ताकि हमारी भारत माँ और उसके बच्चे सब हंसते रहें और खिलखिलाते रहें। आज का दिवस हमें स्मरण कराता है कि परिवार के आदर्शों का कितना महत्व है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है परंतु संस्कार चले जाते हैं। इसी एकजुट परिवार की महत्व समझाने के लिए आज मेज प्रांगण में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुष्प व वानस्पतिक प्रदर्शन फ्लावर शो, बच्चों के लिए रंगारंग कार्यक्रम जैसे मैजिक शो, पपेट शो, गेम्स एंड लकी ड्रॉ, और उद्घाटन ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 की लिफ्ट का। करीब इतना रहो कि सब रिश्तों में प्यार रहे, दूरी भी इतनी रखो कि मिलने का इंतजार रहे, रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियां इतनी कि टूट जाए उम्मीद मगर रिश्ते बरकरार रहे। इसी के साथ हम आप सबका स्वागत करते हैं मेट्स के परिवार दिवस में। अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगी गौरव सर को कि वो स्टेज पर आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज सभागार में एक से बढ़कर एक महान विभूतियां सुशोभित हैं और हमें उनका आशीर्वचन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले मंच पर आदरणीय मुख्य अतिथि श्री परम श्रद्धे ब्रज मोहन गर्ग जी का स्वागत करता हूँ और मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही मैं संस्थान के प्रेरणा स्रोत श्रद्धे श्री नंद किशोर गर्ग जी से भी को भी आमंत्रित करता हूँ और निवेदन करूँगा कि वे पुष्प गुच्छ के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। कृपया तालियां से थोड़ा सा स्वागत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा मेम्स के डायरेक्टर जनरल श्री एस के गर्ग जी को, वो आए और हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बार फिर से श्री आरसी छारे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आरसी छारे सर, मैं मंच पर डायरेक्टर जनरल सर से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि वो आरसी छारे जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें।
संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी के धर्मपत्नी आदरणीय उषा गर्ग जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप मैम मंच पर आएं आपका स्वागत करने के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विनीता गुप्ता जी को कि आप स्वागत करें। हाँ जी, साथ में एक साथ ही बुलाना, और साथ में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती कुमकुम गुप्ता जी मौजूद हैं। हम आपसे भी अनुरोध करेंगे मैम कि आप मंच पर आएं। श्रीमती कमलेश गर्ग जी, आपसे अनुरोध है कि मंच पर आएं। अनुरोध है समस्त दृष्टिगण से कि मंच पर आएं। आदरणीय श्री रामकरण गुप्ता जी, श्री एसपी गोयल जी, श्री अविनाश अग्रवाल जी, श्री सुंदरलाल जी, श्री उमेश गुप्ता जी, श्री टी आर गर्ग जी, श्री एस सी तायल जी, श्री एसपी गोयल सर, एसपी अग्रवाल सर, श्री ज्ञानंद श्रीवास्तव जी, श्री ओमेट्स, श्री रजनीश गुप्ता जी, श्री एस के गर्ग जी, श्री रवि कुमार गुप्ता जी डायरेक्टर मेंस, सभी ट्रस्टी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं कृपया मंच पे आ जाएं। पीछे बैठे हैं कुछ लोग, सभी ट्रस्टी कृपया मंच पे आ जाएं। यह आपका कार्यक्रम है सबका। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का ब्रजमोहन जी के सुपुत्र श्री राकेश जी मंच पे आ जाएं, मोहन जी, ईश्वर जी, ये सब आप लोगों का प्रोग्राम है। इसका प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि हम सब लोग एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी रवि कुमार जी भट्ट साहब यहाँ स्वागत करूँ। श्री रवि जी से अनुरोध करूंगा कि वो श्री एसपी अग्रवाल जी का, जो हमारे अभी हमारे साथ बहुत सक्रिय रूप से जुड़ गए हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के नाते हमारी सभी संस्थाओं का मार्गदर्शन भी करेंगे, उसको लीड करेंगे। श्री एसपी अग्रवाल जी, विनीता गुप्ता जी, विनीता जी वो हमारी महिला ट्रस्टियों का, उषा गर्ग जी, दर्शना जी, इनका स्वागत करें। प्रोफेसर नीलम शर्मा जी, प्रोफेसर मिसेज चंदा जी का स्वागत करेंगे, जो मैथमेटिक्स की जानकी देवी से रिटायर्ड हुई हैं। माता सुंदरी कॉलेज में वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर मैडम गर्ग का स्वागत करेंगे विनीता जी। वैभव जी स्वागत करेंगे श्री अविनाश अग्रवाल जी का, जो हमारे सेक्रेटरी हैं। कॉर्नर से शुरू करें। वीरेंद्र बिंदल जी कृपया मंच पे आइए। आइए सर। पाठक जी स्वागत करेंगे श्री रजनीश गुप्ता जी का, जल्दी जल्दी। श्री एसपी गोयल जी का स्वागत करेंगे, राजीव मित्तल जी, माथुर जी जो जो एचओडीज हैं कृपया आ जाएं तुरंत। श्री वीके जैन जी, प्रोफेसर वीके जैन जी स्वागत करेंगे, प्रोफेसर केपी चंदा जी केशव महाविद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। श्री देसवाल जी स्वागत करेंगे श्री आर के गुप्ता जी का। मैम बीच में जाइए आप। श्री सुनील माथुर जी स्वागत करेंगे
श्री एस के गर्ग जी का, के पी चंदा जी, सुनील माथुर जी स्वागत करेंगे श्री एस सी तायल जी का। माथुर जी इधर आना। श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी का स्वागत करेंगे श्री पाठक जी। मनोज वर्मा जी स्वागत करेंगे श्री मोहन गर्ग जी का। श्री डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी स्वागत करेंगे श्री टी आर गर्ग साहब का, जनरल सेक्रेटरी हमारे। श्री राकेश गर्ग जी, श्री राकेश गर्ग जी का स्वागत करेंगे हमारे अमित जी। आगे बीच में ले रहे हैं। और कोई ट्रस्टी जो हमारे पीछे हैं कृपया आगे आ जाएं, अन्यथा उनका तालियां बजाकर जो पीछे बैठे उनका भी सबको स्वागत है। और आगे का कार्यक्रम के लिए हाँ, कमलेश जी हमारी, ब्रजमोहन जी गर्ग जी की धर्मपत्नी, कहाँ पर उनका स्वागत करें डायरेक्टर मैडम नीलम जी। श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव, श्री रवि कुमार जी उनका स्वागत करें श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव। तो आज का अपने स्वागत का एक सूक्ष्म सा कार्यक्रम, एक बार सब तालियां बजाएं अपने लिए भी औरों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मिसेस टी आर गर्ग जी मंच पे आ जाएं, उनका स्वागत विनीता जी करेंगे। विनीता जी, श्री आर के गुप्ता जी, इंजीनियर श्री रविंद्र कुमार गुप्ता, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हैं और हमारे उपाध्यक्ष हैं, कृपया मंच पे आ जाएं। श्री रवि जी, रविंद्र गुप्ता जी का स्वागत करें। आज के इस परिवार मिलन कार्यक्रम में सभी हमारे मेट परिवार के यहाँ पर जो भी सेवारत हैं, जो यहाँ प्राध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, ऑफिस बेरर हैं, वो आज सब यहाँ उपस्थित हैं। अंद्रेंद्र बिंदल जी का स्वागत श्री मोहन गर्ग जी करेंगे, पूर्व निगम पार्षद हैं नांगलोई के और इस एरिए के बहुत प्रमुख समाज से। ब्रजमोहन जी के दूसरे वाले लड़की भी बैठे, अजय बैठे। ब्रजमोहन गर्ग जी के परिवार के जो बाकी सदस्य आए हुए हैं, बेटियां बहुएं, वो भी कृपया एक बार मंच पे आ जाएं। अतुल सिंगल जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका स्वागत करेंगे। देशवाल जी आप आ गए। श्री अतुल सिंगल जी जो आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल बहुत दिल्ली के अंदर निःशुल्क इलाज करा रहे हैं लाइलाज बीमारी का, अतुल सिंगल जी। एक बार से ब्रजमोहन गर्ग जी का परिवार आगे आ जाए, एक ग्रुप फोटो में इकट्ठे। ब्रजमोहन गर्ग जी का हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं, अशोक विहार के स्टेनलेस स्टील के, भारत के बहुत ही प्रमुख व्यवसायियों में से हैं और इनका हमारे स्टूडेंट भी, इनकी बेटी भी रही है जो आजकल अमेरिका में बहुत अच्छी पोजीशन पर है, इनकी ग्रैंड डॉटर भी यहाँ, ग्रैंड सन भी यहाँ पढ़ रहा है। एक ऐसा परिवार, इनको हमने उस दिन अनुरोध किया था कि एक लिफ्ट हमने तीन चार लगानी है, तो एक लिफ्ट मगर आपकी जुम्मे थे, उन्होंने तुरंत अगले दिन ही हमारे लोगों को बुलाकर उस लिफ्ट के लिए अपनी सहयोग राशि भी दी। आज उसका लोकार्पण होगा, लोकार्पण में भी आप सारे परिवार के लोग वहाँ पहुँचेंगे। एक दूसरी लिफ्ट है हमारी आज ही, उसका लोकार्पण भी हमने इस बार वो नए ढंग से कर रहे हैं कि हमारे जितने ऑफिस बीरर्स हैं वो सामूहिक रूप से उस दूसरी लिफ्ट का उद्घाटन करेंगे। दोनों लिफ्टें श्री टी आर गर्ग जी और अविनाश अग्रवाल जी ने कई महीने के मेहनत के बाद
दोनों लिफ्टें हमारी तैयार और अब तीसरी लिफ्ट लगाने की भी प्रोविजन था हमारा, उसको भी आज हमने लगाने के लिए तय कर लिया कि उसके लिए भी ऑर्डर दे के लगाएंगे। और उस लिफ्ट का भी कोई अपने सहयोग देना चाहे, अपने पूर्वजों के नाम के लिए डेडिकेट करना चाहे, तो उसका भी सबका स्वागत रहेगा। यहाँ पर लगातार महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी में पिछले 20-21 साल से जहाँ हम शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वहाँ समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को सही ढंग से रिकग्निशन मिले, जो समय देते हैं उनकी भी कदर हो, जो अपने साधन देते हैं उनके भी स्वागत हो, और समाज का एक मिलजुल कर सब लोग मिलके काम करें। तो इस टीम के अंदर पिछले 1-1.5 साल में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर प्रोफेसर्स को जोड़ा है, दिल्ली सरकार में कई वरिष्ठ पदों पर रहे हुए लोगों को जोड़ा है, DDA में चीफ इंजीनियर रहे पहल साहब को जोड़ा है, रविंद्र गुप्ता जी हैं ही, प्रोफेसर मुनीश कुमार हैं जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज चंदा जी, डॉक्टर मिस्टर चंदा और मिसेज चंदा दोनों, आज हमने उनसे अनुरोध किया था कि मैथमेटिक्स के खासतौर पर ऑपरेशनल मैथमेटिक्स इत्यादि जो इंजीनियरिंग में भी जिसका बहुत बड़ा योगदान है उसके लिए वो यहाँ और हमारे यूनिवर्सिटी में सहयोग करेंगे। ये सब लोगों को हम इस बड़े यज्ञ में जोड़ रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा कार्य है। इसके अंदर कल हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो हमारे ही पास आउट हैं, 2003 से पास आउट होने शुरू हुए थे, वो भी लगभग 200 लोग कल एकत्रित हुए थे, देख के बड़ा अच्छा लगा कि आज भी अच्छे लोग धीरे धीरे बढ़कर DRDO में एक बड़े साइंटिस्ट हो गए हमारे, जो जिनको अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल के हेड हमारे स्टूडेंट एक हो गए हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरे इंडिया यूरोप के हेड बन गए हैं। तो इस प्रकार के हमारे जो स्टूडेंट्स जो आगे जा रहे हैं, और इस साल तो हमारे 2 स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट में 43 लाख पर NM के पैकेज पे जा रहे हैं, जो भी अब पढ़ रहे हैं। अमेजोन में भी 20-25 लाख के पैकेज पे लोग जा रहे हैं। हमारे ब्रिगेडियर SK कक्कड़ साहब और उनकी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है, और आज भी इस बेरोजगारी का जब झंझट हो, 16 लाख इंजीनियरिंग सीटों में से 9 लाख खाली हों, तो हमारे इंस्टीट्यूट को आज भी ये गर्व से हम कह सकते हैं कि हमारे सभी लोगों के प्रयास से आज लगभग 700 प्लेसमेंट ऑफर हमारे बच्चों को मिल चुके हैं। MBA का भी यही स्थिति है कि यूनिवर्सिटी की लगभग 25% मेरिट हमारे इंस्टीट्यूट से आती हैं। BBA का भी टॉपर इस बार हमने दिया है, और 24 तारीख को हमारा एनुअल फंक्शन होगा। एनुअल फंक्शन में मुख्य अतिथि आसाम के गवर्नर हमारे पुराने साथी प्रोफेसर जगदीश मुखी जी होंगे। उस दिन कन्वोकेशन भी दिल्ली IP यूनिवर्सिटी पिछले 3-4 साल से डिग्रियां नहीं दे पा रही थी, अभी वो शायद 3 सब्जेक्ट की डिग्री हमें दे पाएंगे, तो कन्वोकेशन भी उसके साथ साथ होगा। ये सब चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, और लगभग साल के अंदर 15-20 कार्यक्रम करके हम शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार देने की बात है, जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाने से नहीं पढ़ाया जा सकता, देखने से हो सकता है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, आज डॉक्टर NK कक्कड़ जी, कपाही जी, प्रोफेसर प्रमोद सागर जी ने एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन पेड़ पौधों की लगाई है, और उस पेड़ पौधों में से वो पौधे हैं जो आपके जीवन को और अधिक सुरक्षित रखते हुए, बीमारी को दूर करते हुए, और वो आज घर ले जाने के लिए भी एलोवेरा के भी 140 हमने पौधे तैयार किए हैं। तो जाते समय जितने भी हमारे गेस्ट हैं, हमारे ट्रस्टीज़ हैं, वो एक एक वो हमारी तरफ से इसको लेके जाएंगे ताकि वो घरों में जाके रखें और उसका उपयोग करें। पिछली बार हमने उसका लिटरेचर भी तैयार किया था, मैं समझता हूँ कक्कड़ साहब मेरी बात सुन रहे हों, तो वो लिटरेचर की भी कुछ किताबें बची हुई थी कि किन पेड़ पौधों का क्या क्या उपयोग है, वो भी आप ले जाएंगे तो आपको उसका अपने घरों में उस टाइप के अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे जो आपको ऑक्सीजन भी देंगे, आपको स्वस्थ भी रखेंगे, और भारत की प्राचीन परंपरा को भी आपको समझ में आएगा कि हमारे लोग
सौ साल कैसे जीते, ये सब काम हम ये साथ साथ करते हैं क्योंकि एक पैशन है, एक पैशन है हमारे यहाँ के लोगों में। ये काम किसी कॉलेज में जनरली नहीं होते कि यज्ञ भी साल में 3-4 बार हों, होली दिवाली का त्यौहार भी हो, 15 अगस्त 26 जनवरी का भी हो, संक्रांति का भी हो और विक्रम नव संवत्सर का भी हो, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती हो तो उसको भी हम मनाएं, स्वामी विवेकानंद तो हमारे आदर्श पुरुष हैं जिनका स्टैचू भी हमने लगा रखा है, उनके बारे में पूरा लोगों को बताएं। ये हमारे यहाँ जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, उसके अंदर सारी इवेंट्स मैनेजमेंट हैं, उसके लिए हमारे यहाँ जो आज इंस्टीट्यूट है आई पी यूनिवर्सिटी का नंबर एक है। BBA के अंदर हम आई पी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे उसमें पहले दूसरे नंबर पर रहते हैं। हमारा BCOM ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद जो अच्छे कॉलेजों में महाराजा अग्रसेन है, BA इको ऑनर्स है, तो इस साल जिसके बच्चों को पड़ोस में बच्चों को एडमिशन लेना हो, अपने बच्चे को एडमिशन लेना हो तो उनको आप अभी से IP यूनिवर्सिटी की साइट और हमारी साइट पर विजिट करें। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में भी लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं, लॉ के अंदर भी हमारे यहाँ एडमिशन, यहाँ इस बार BBA LLB भी होगा, तो ये सब आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारे इंस्टीट्यूट आते जाते रहें और जो भी समय दे सकते हैं अपना समय भी इस पुनीत कार्य में दें। अब SP अग्रवाल जी जो बहुत ही वरिष्ठ वो अधिकारी रहे हैं, अब ये पूरा समय लगाकर हमारी इन सब चीज़ों को अपने चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी जो पिछले 12 साल से बिना किसी वेतन के, बिना किसी लाभ के या लालच के लगातार आते हैं, इसी ढंग से हमारे बहुत लोग ये लोग सेवा कर रहे हैं, तो इनका जितने भी लोग सेवा करते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रेरणा देते हैं मेरे अध्यापक रहे, जिन्होंने मुझे छठी में पढ़ाया था, छठी के में पढ़ाने का अर्थ लगभग 1962-63 में, आज भी वो सक्रिय हैं, रोज आते हैं। और हमारा महाराजा अग्रसेन ग्लोबल स्कूल जो हमने शुरू किया है, अभी इनिशियल स्टेजेस पर है, जिसका भवन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, श्री BL महाजन जी भी उपस्थित हैं, मुझे नज़र आए थे अभी, तो इस प्रकार के इन सब लोगों का सहयोग है। सब लोगों ने मिलजुल कर 200 ट्रस्टी हैं, 700-800 आजीवन सहयोगी हैं, 100-150 हमारे डोनर्स हैं और उससे ज़्यादा हमारा जो डेडिकेटेड स्टाफ है, इस सब की बदौलत आज हम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉर्थ इंडिया के अंदर बिट्स पिलानी और थापर के लगभग हमने उसके समकक्ष इसको खड़ा किया है। यहाँ के बच्चे आज किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, हमने देश को पहला IAS और IPS भी हमारे अपने स्टूडेंट्स में से दे दिया है, वैज्ञानिक भी दे दिए हैं, भारत की मिलिट्री में भी लगभग 100-125 हमारे आज ऑफिसर्स यहीं से पढ़ के आगे निकले हैं, हमारी बेटियां NCC के माध्यम से भी अब ऑफिसर बनना प्रारंभ करेंगी, पहला PhD भी हमने अवार्ड कर दिया है महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी से, और हमारा एक बच्ची हमारी बिहार के अंदर जुडिशियल में भी आकर वो जज बन गई हैं। तो आज मैं समझता हूँ लगभग हर फील्ड को हम टच कर रहे हैं, प्रोफेसर भी हो गए हमारे में से, साइंटिस्ट भी हो गई हैं, पत्रकार भी हैं, ज़्यादातर चैनलों में आज हमारे बच्चे पहुँच चुके हैं, न्यूज़पेपर्स में पहुँच गए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी जी की स्पीच को जो प्रारूप बना के देने वालों में भी एक बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से गया हुआ है। तो आज मैं समझता हूँ कि जो जो हमारी इच्छाएँ हैं, इच्छाएं माँ बाप की क्या होती है, उसके बच्चे आगे बढ़ें और बच्चे आगे बढ़े तो माँ बाप को खुशी होती है। तो हमारे एट ए टाइम में 6,500 बच्चे यहाँ, 2,500 हमारे हिमाचल में, ये सब बच्चे लगभग 10,000 ऐसे बच्चों को और उनके परिवारों को हम कैटर कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं आज टाटा वाले भी उनको पहले लेते हैं, जिन्हें मैकेनिकल में बच्चे महाराजा अग्रसेन के बढ़िया हैं, ECE IIT कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं, ये सब संभव रहेगा आप सब लोगों के सहयोग से आचरण। इसलिए ये कार्यक्रम जनवरी के मैं गिनाऊँ तो आपको 14 जनवरी को हमने 2 कार्यक्रम थे, विवेकानंद जी की जयंती का भी मकर संक्रांति और गुरु नानक जी का फिर 550वीं जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमारे अपने स्टाफ ने, स्टूडेंट्स 1200 बच्चों ने ब्लड देने का ऑफर किया और लेने वाले थके और शायद
900 के आसपास हमारी ब्लड यूनिट इकट्ठी हो पाई एक दिन के अंदर, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट नंबर है। 6,500 स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं 100 करोड़ से नीचे के बजट में, बिना सरकारी किसी आर्थिक सहायता के। और इसका कंपैरिजन आप करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, बहुत नाम सुनते हैं उसका, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इंडिया की नंबर वन है, देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री के नाम पर हो, 350 एकड़ में हो, हमें 10 एकड़ ज़मीन है वो 350 एकड़, और 8,500 स्टूडेंट्स हों, 600 करोड़ रुपए साल का बजट हो, दो दो मंत्री वहाँ से पढ़े हुए भारत सरकार में हों, और पहले भी रहे हैं प्रधानमंत्री, नेपाल भी रहे हैं, समाज को वो क्या दे पा रहे हैं। आज तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एलुमनी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 1 रुपया भी नहीं दिया है, जबकि हमारे यहाँ जो कल स्टूडेंट आए थे वो ये इच्छुक थे कि हम बच्चों की मेंटरिंग भी करेंगे, प्लेसमेंट में भी सहयोग करेंगे, ट्रेनिंग में भी सहयोग करेंगे, और आवश्यकता होगी तो फाइनेंशियल भी कोई आप करूँगा जी, वो तो हमें भगवान की दया से अपने बच्चों से अभी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आप लोग आने वाले बच्चों के लिए जितना कुछ सोच सकते हैं करें। ये मैं सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को उतनी जानकारियाँ, क्योंकि हम ना तो कोई प्रचार करते हैं ना हम कोई एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा देते हैं, हमारे यहाँ बच्चों को जिनके ब्लड लेने से रिजेक्ट हो गया तो हमारे यहाँ डॉक्टर सेठी उनकी चिंता करते हैं, उनको दो दो चार चार को बुलाएंगे कि भाई किस कारण से आपका ब्लड नहीं लिया गया, वो डेफिशिएंसी दूर करनी है। अब ये सब काम किस लिए करें, अपनापन हो, इस धरती से प्यार हो, इस देश से प्यार हो, इस समाज से प्यार हो, ये सब मेरा है, ये भावना यदि ले आएंगे तो हमारे यहाँ के माली भी कितना काम करते हैं कि आज हमने 3 एकड़ ज़मीन DDA से ली थी, पायल साहब ने उसमें सहयोग किया और कितनी ग्रीन कर दिए हैं, मेरे ख्याल आज वहाँ लगभग 20,000 पेड़ पौधे उस 3 एकड़ में लग गए, हर प्रकार की वैरायटी है। तो क्यों, इस क्योंकि यहाँ का माली भी देख रहा है कि यहाँ के ट्रस्टी, यहाँ के ऑफिस बेरर कितनी मेहनत करते हैं, तो वो अगर देखते हैं तो देखते हुए सीखता है, और सीखता है तो उसे करता है, करने का अभ्यास हो जाए तो वही देशभक्ति है, वही राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्रभक्ति का कोई देश के लिए मरने की आवश्यकता बहुत कम लोगों को है, देश के लिए जीने की आवश्यकता 130 करोड़ लोगों की है, और ये भावना सब में आ जाए, देना हम सीख लें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये बात हम अपने बच्चों को अपने अध्यापकों को सिखाते हैं, तो यहाँ के अध्यापक भी दान करते हैं। प्रोफेसर ML गोयल यहाँ 10-15 लाख रुपए, जो हमारे डायरेक्टर जनरल थे, परसों शायद आएंगे अमेरिका से, 10-11 लाख रुपए दे चुके हैं, बाकी प्रोफेसर भी सब देते हैं। हम कह रहे हैं बच्चों के लिए, अपना बच्चा सबका एक एक दो दो है, वो किसी का अमेरिका में बैठा है, किसी का इंग्लैंड में बैठा है, और ये बच्चे आपके आपके रोज़ सामने रहेंगे, इनमें किसी एक का भला कर दो तो सारी ज़िंदगी याद रखता है। और कल एक उदाहरण यहाँ आया था, एक बच्चा जो यह फर्स्ट ईयर में था 1999 में, उसको बुखार हो गया होगा, तो हमारी केमिस्ट्री की पूजा सिंह हैं या क्या, आज नहीं आई है, तो उसने रिमेम्बर किया, जी मेरे इसने इम्तिहान भी दिलाए, मुझे बीच में लाके बिस्किट और चाय दे दी, तो मैं उसे इम्तिहान दे पाया, मैं इंजीनियर बन पाया, और इंजीनियर बन के आज ये बन गया, मैं पूजा को नहीं भूल सकता। तो आप भी तो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते इतना ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपको याद करेंगे, आप उनको याद करेंगे। एक उदाहरण और देना चाहूँगा आपको प्रेरणा के लिए, मैं दे रहा हूँ, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री BL जोशी थे, नाम भूल गए होंगे लोग अधिकांश, वो पुलिस अफसर भी थे, राजस्थान के थे, उन्होंने किसी अखबार में पढ़ लिया कि एक बच्चा IIT में सिलेक्ट हो गया है, उसको देने की फीस नहीं, तो रिटायरमेंट के बाद जयपुर थे, उन्होंने ढूंढ के उस बच्चे को बुलवाया, उसकी फीस जमा करा दी, बात आई गई होगी 3-4 साल तक, वो अमेरिका गए हुए थे अपने बेटे के पास रह रहे, उस बच्चे को वो भी अमेरिका में कहीं सेटल्ड हो गया था जाकर, उस बच्चे को पता चल गया किसी माध्यम से कि जोशी जी अमेरिका आए हुए, वो बच्चा ढूंढ ढांढ के उनके घर गया, उनके पैर छुए, और उनका ही मैं वो बच्चा हूँ, टीचर को थोड़ी याद रहता है या किसी ने जिसका, तो उसको बड़ा अच्छा लगा वो उदाहरण, उन्होंने जब यहाँ आए थे वार्षिक उत्सव में BL जोशी ने स्वयं बताया कि किसी का भला कर देंगे
तो जीवन में आपको दोबारा मिले ना मिले ये अलग बात है, वो आपको भूल नहीं सकता। इसलिए जितने यहाँ अध्यापक हैं, जितने यहाँ क्लास फोर एम्प्लॉई हैं, लैब असिस्टेंट हैं, लैब अटेंडेंट हैं, वो जीवन में हर साल किसी एक दो का ऐसा काम जरूर कर दें जिससे वो आपको याद करता रहे। अब वो काम केवल इतना करना है कि थोड़ा सा अपने एक कदम बढ़ के किसी की मदद करें, रूटीन के काम करते हुए भी एक आध कदम एक्स्ट्रा आगे बढ़ के कर देंगे तो वो याद करेगा। इसलिए ये सब चीज़ हम एक अच्छे माहौल में, फागुन का महीना है, वसंत उत्सव मनाया हमने, गणतंत्र दिवस मनाया, इसके बाद अभी 3 दिन की हमने कंप्यूटर साइंस के ऊपर की, 2 दिन हमारे कॉमर्स में, लगातार एक्टिविटी है, मल्टी एक्टिविटी है, चलती रहेंगी, चलती रहें और आगे बढ़ते रहें, और हम सब मिलजुल कर इस देश का जो टारगेट है, जो असंभव है, जो अभी भी हम बैठे जब मुश्किल लगता है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे करेंगे, अभी तो हम 3 पे भी नहीं पहुँचे हैं। शुरू की प्रोग्रेस मुश्किल होती है, जब हमने शुरू किया था कॉलेज तो एक स्कूल के अंदर गेस्ट इंस्टीट्यूट के तौर पे किया था सुल्तानपुर में, और उन बच्चों का ये मन था कि 4th ईयर का कि एक बार हमें नए कैंपस में पढ़वा दो। सब ने मेहनत करके दिन रात खड़े होके 2 ब्लॉक बनाए थे आधे अधूरे, और उन बच्चों को ले आए। जिस दिन एक कॉलेज शुरू किया था उस दिन हमारे पास 1 करोड़ रुपये मुश्किल से था, और DDA से 6 करोड़ 30 लाख की जमीन ली थी, कोई पैसा नहीं था। भगवान साथ देता है ठीक काम करने वालों को। ओरिएंटल बैंक कॉमर्स चेयरमैन नारंग साहब ने एक छोटी सी बात कही, मैं था, रोशनलाल जी अग्रवाल थे और नंदकिशोर अग्रवाल एक्शन शुआ है, कहने भाई 3 मणिये मेरे सामने बैठे हैं और मुझे 25 करोड़ रुपए तक की पावर है SCMD, आप 3 पर्सनल गारंटी दे दो और 25 करोड़ रुपया तक बिना किसी उसके ले जाओ। जिस संस्था के पास 1 करोड़ रुपया हो, जमीन के 6 करोड़ रुपये देने के लिए भी लोन लेना पड़े और वो लोन भी इतनी सहजता से मिल जाए कि हम 3 ने साइन कर दिए, जमीन मिल गई तो ये सारी व्यवस्था हो गई। आज लगभग एसेट्स वाइज गिने तो मेरे ख्याल 200-300 करोड़ के तो हो गए होंगे ये एसेट, परंतु सबसे बड़ा एसेट हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो लगभग 10,000 पास आउट हो चुके हैं और जो देश विदेश में सब जगह हैं, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं गिन सकते ना उनकी गिननी चाहिए। वो हमारे एसेट्स हैं कि वो जहाँ भी जाएँ वो खुशबू फैलाएँ, कहाँ का बच्चा, महाराजा बच्चा, मेट का, बट अच्छा ही होगा। ये जो भावना मन में लोगों के, एम्प्लॉयर के आ जाए, अपना बिजनेस करते हैं उसके समझ में आ जाए कि इनसे व्यापार करना ठीक ठाक रहेगा, इनके साथ जुड़ना ठीक ठाक रहेगा, इनके रिश्ता करना ठीक ठाक रहेगा। अब तो मैं महीने में यदि 10 शादियों में जाता हूँ तो 2 शादी भी ऐसी निकलती हैं जहाँ बच्चा या बच्ची हमारे ही इस कॉलेज के पढ़े हुए मिलते हैं, बहुत खुशी होती है। ये खुशी का कोई शुल्क नहीं है, आप लोग सब इन खुशियों में शामिल हों, सब मिलजुल कर काम करेंगे तो ये फागुन के महीना हम सबको इसी प्रकार खुशियाँ देता रहे। और अब अगले कार्यक्रम में अविनाश जी बताएंगे लिफ्ट के उद्घाटन की तैयारी है ना। अभी बिल्डिंग कमेटी के हमारे कन्वीनर साहब बता रहे हैं कि कुछ 2-3 चीज़ के जो इनके मेहनत से खड़ी हो रही हैं। हमारा एक स्कूल बिल्डिंग मैंने जैसे बताया था महाराजा अग्रसेन सिंह ग्लोबल स्कूल, वो लगभग 1 लाख स्क्वेयर फिट, 2 कैंपस हैं बाजू बाजू में नज़दीकी, अगले कार्यक्रम में वहाँ की भी विजिट कराएंगे, वो बनकर तैयार हो गई है। 1 लाख स्क्वेयर फिट बड़ी टेढ़ा काम है निर्माण करना, 4 महीने से कंस्ट्रक्शन कभी बैन हो गया, कभी रात की बैन हो गई, और अभी 1 लाख स्क्वेयर फिट यहाँ ब्लॉक नंबर 10 जो सत्या अग्रवाल ब्लॉक है जिसका शिलान्यास आदरणीय प्रेम सागर गोयल जी की अध्यक्षता में हुआ था नवंबर में, उसका कार्य अभी DDA से नक्शे इत्यादि मुझे लगता है कि मार्च तक जरूर आ जाएंगे, और वो कार्य भी एक 10 नंबर ब्लॉक 1 लाख स्क्वेयर फिट जिस पर 20 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, बिल्कुल आधुनिक उसके अंदर सारी सुविधाएँ देंगे, उसका निर्माण भी अगले साल जब मिलेंगे तो स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह जरूर नजर आएगा, ये अहल साहब मुझे याद दिला के गए हैं। तो हम सब मिलजुल कर इसी प्रकार काम करते रहें, और अब मैं अनुरोध करूँगा श्री SP अग्रवाल जी से।
कि अब आगे से वो हमारे इस संचालक मंडल में एक अग्रणी भूमिका में रहेंगे, तो वो आज के इस अवसर पर हम सबको अपने विचारों से भी आने वाले समय में क्या कुछ वो करना चाहते हैं इस सारी टीम को साथ लेके, वो अचानक उनसे मैं कह रहा हूँ बेशक वो थोड़ा दो तीन मिनट में सोच लें, और इतनी देर कोई अगले जो प्रोग्राम है आप परफॉर्मेंस वगैरह हैं इतनी देर वो थोड़ा सोच लेंगे। और कौन जगदीश मित्र जी भी आ गए, उनका स्वागत और उनको एक बार पाठक जी उनका सम्मान भी करें। इसके बाद भी कोई कई लोग मेरे ख्याल आए होंगे थोड़ा देर से। सुंदरलाल जी आ गए, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं। सुंदरलाल गोयल जी के लिए जोरदार तालियां। हमारी सारी परचेज का काम सुंदर डी जी साहब से अनुरोध है कि श्री सुंदरलाल जी और जगदीश मिश्र सुंदरलाल जी मंच पे आ जाए। और कोई ट्रस्ट आए हैं? विक्रम जी आ जाओ, आ जाओ। और कोई पीछे आए हों? संकोची है, कोई बात नहीं। इन जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये बहुत समय देते हैं दोनों। श्री श्रीचंद गुप्ता जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। कपाई जी भी आ गए, थोड़ा लेट आए मुझे नज़र आ गए। कक्कड़ जी के बारे में मैंने बता ही दिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स के अंदर मोस्ट रिस्पेक्टेड नाम है, और यहाँ पूरे मीम्स के हमारे फाउंडर डायरेक्टर भी रहे और आजकल यूनिवर्सिटी का भी सब काम देखते हैं। श्री सतीश गर्ग जी, हाँ सतीश जी हमारे व्यापारी नेता भी हैं और सक्रिय समाज से, कहाँ गए बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ हम पहला प्रोग्राम अपना प्रस्तुत करते हैं विद अ क्लासिकल सोलो परफॉर्मेंस बाय रशिका सरदाना ऑफ बीबीए थर्ड ईयर। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस da 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 da
na gama gama maga baba maga zanisa. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. Can we have a round of applause for our guest? Now, can we have Mahesh Sharma on stage, please? Mahesh Sharma. ग्यारहवीं के विद्यार्थी हैं ये और ये हमारे समक्ष एक कविता पेश करेंगे। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम महेश शर्मा, गीताबाल भारती विद्यालय जमुना पार से। मैं आज आपके समक्ष मैं और मेरे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में एक कविता प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा और मैं राष्ट्रीय स्वयं संगम का भी सदस्य रहा हूँ तो उनके मार्गदर्शन से ही मैंने ये कविता लिखने की कोशिश की है कि अधम से अधम हो रहा हूँ मैं लेकिन अधम से अधम हो रहा हूँ मैं लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता कि भूल मुझसे ना होगी बहुत सोचता कि भूल मुझसे ना होगी जो नहीं बात तुम्हें पसंद अब वो फिर ना होगी बहुत सोचता कि भूल मुझसे ना होगी जो नहीं बात तुम्हें पसंद वो फिर ना होगी लेकिन भूल पे भूल सदा मैं किए जा रहा हूँ और क्षमा पे क्षमा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। मेरे जीवन का बस तू ही सहारा मेरे जीवन का बस तू ही सहारा है मुझे पता कि तेरे सिवाय ना कोई हमारा मेरे जीवन का बस तू ही सहारा है मुझे पता कि तेरे सिवाय ना कोई हमारा। फिर भी मैं फंस जाता हूँ इन विषयों में फिर भी मैं फंस जाता हूँ इन विषयों में फिर भी प्यार ही सदा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तुम्हारी ओट लेकर मैं कपट कर रहा हूँ तुम्हारी ओट लेकर मैं कपट कर रहा हूँ ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूँ तुम्हारी ओट लेकर कपट कर रहा हूँ ठगी मन में लेकर भगत बन रहा हूँ। है मुझे पता कि पोल खुल के रहेगी है मुझे पता पोल खुल के रहेगी है पता तुम्हें भी है पता तुम्हें भी फिर भी सदा ढके जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। नहीं देखी कभी प्रतिकूलताएं नहीं देखी कभी प्रतिकूलताएं क्योंकि अनुकूल तुम किए जा रहे हो नहीं देखी कभी प्रतिकूलताएं क्योंकि अनुकूल सदा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। अगर तुम्हें लगता मैं जैसा हूँ अच्छा अगर तुम्हें लगता कि मैं जैसा हूँ अच्छा तो फिर इतना बता दो प्यारे इतना बता दो मोहन कि मिलने कब आ रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। धन्यवाद। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए इतनी सुंदर कविता इन्होंने प्रस्तुत की। हमारे बीच संजय गोयल जी मौजूद हैं
मैं चाहूँगा कि एक बार फिर दीदी सर को मैं कष्ट दूँगा कि एक बार स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में श्री संजय गर्ग जी का। कार्यक्रम अनवरत रहेगा। जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए। अब हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पे हमारी अगली परफॉर्मेंस को जो कि है रेट्रो मेडले सॉन्ग्स बाय स्वराज सोसाइटी ऑफ मीम्स। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्टूडेंट्स कार्तिक मुस्कान किरण पारस आलोक ध्रुव एंड स्मृति। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्टूडेंट्स प्लीज। और हमारी ये सोसाइटी हमारी ये बच्चे 10 रेट्रो सॉन्ग्स का रेट्रो बॉलीवुड सॉन्ग्स का एक परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत खूबसूरती से तैयार किया। तो इससे पहले कि गाना शुरू हो आपकी तालियों से इस टीम का स्वागत। Oh,
मेहरबान मेरी जान मेरी जान। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आए तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये दुआई कहीं चटकी कली कोई। मैं ये समझा तू शर्माई कहीं खुशबू कोई बहरी लगाए जुल्फ लहराए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे अजीब दास्ता है ये, धड़कते दिल के गाने लिए।
अभी आपने सपने में देख रहा था कि पुराने को 20-30 साल पहले पहुंच रहे थे अपने अपने वो पसंद के गीत गाते हुए, जो किशोर कुमार के हों, जो हेमंत कुमार के हों, मन्ना डे के हों, मोहम्मद रफ़ी के हों, वो कईयों को गुनगुनाते हुए देख रहा था। इन बच्चों के लिए जो प्रसन्न हुए तो ज़ोरदार तालियां बजाएं, इन्होंने अच्छी तैयारी की, अपने पुराने गीतों को सहेज कर सही ढंग से प्रस्तुत किया। अभी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे, बीच में श्री ब्रजमोहन गर्ग जी का परिवार जो 5 नंबर ब्लॉक की लिफ्ट है उसका उद्घाटन होगा, उसके बाद कार्यक्रम चलेंगे दूसरा, और 6 नंबर ब्लॉक का जो सामूहिक रूप से है जिसका उद्घाटन, जो जिन जिन के 5 नंबर में तो श्री ब्रजमोहन जी गर्ग और उनके पूरा परिवार उस लिफ्ट के उद्घाटन के लिए जाएगा, और हम लोग जो बिल्डिंग कमेटी के लोग और ऑफिस बेरर हैं, और 6 नंबर ब्लॉक में विनीत जी तो आज पहले करने आएंगे, छारिया जी और जितने हमारे पदाधिकारी हैं वो सामूहिक रूप से उसका उद्घाटन है, और उसमें भी मजा देखो, हमारे प्रचारक हैं जगदीश मित्तल जी जिन्होंने अपने परिवार नहीं बनाया, तो कह लेंगे कि अगर सबसे ले रहे हो तो मैं भी, और कल वो 51,000 रुपये एडवांस में लेके आए थे, तो हमने मोटा मोटा तय किया था 20-25 लाख की लिफ्ट लग रही है, तो ब्रजमोहन जी ने 11 लाख रुपये दिए, तो बाकी मिल के करते हैं हम 11, जो कर देंगे नहीं कर देंगे कोई तय नहीं है, परंतु सबको मान सम्मान हम देते हैं। पिछली बार भी हमने कैलाश चंद जी बंसल के साथ इनके मित्र आए थे राजकुमार जी, एक लिफ्ट का उनके सहयोग लिया था, अभी एक लिफ्ट हमारी और लगनी, कितने नंबर लगनी है, एक 3 नंबर ब्लॉक में लिफ्ट और लगनी है, जिसका भी मन हो 2 और 3 में दो लगनी है, 3 और 4, तो एक लिफ्ट और लगनी है, बढ़िया लिफ्ट लगनी है, 20-25 लाख की लगेगी, परंतु जो भी जितना सहयोग उसमें देना चाहे, ये निकालते रहना चाहिए, जैसे कुएं से जल निकलता रहे, नदियां चलती रहें, ये धन का प्रभाव भी ऐसा है, जितना आप निकालेंगे उतना उसमें और ज़्यादा बढ़ के आएगा, तो जो जो लोग कोई सोचते हों और आराम से सोच लेना, और हम उसका ऑर्डर तो अभी दिलवा ही देंगे लिफ्ट को लगाने का, और अगले साल उसका लगा के, क्योंकि उसका शायद बाहर की तरफ से लगेगा ना, उसका ढांचा बाहर बनाना पड़ेगा, हाँ, इसलिए जो जो जिसका मन हो 11 लाख रुपये का सहयोग देना चाहे, 5 का देना चाहे, 2.5 का देना चाहे, हम 3-4 का मिला के भी कर सकते हैं, तो ये अभी इसके चलेंगे। इससे पहले श्री SP अग्रवाल जी, जो मैंने बताया था, अब हमारे वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के नाते विनीत कुमार जी हमारे चेयरमैन हैं, प्रेम सागर जी के देहांत के बाद अभी पिछले हफ्ते तय हुआ, और श्री SP अग्रवाल जी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, बाकी टीम हमारी सारी वही है, अब सब मिलजुल कर काम करते हैं, करते रहेंगे। SP अग्रवाल जी से मैं कहूँगा कि वो इस अवसर पर, और इसके बाद दोनों लिफ्टों का उद्घाटन है, कार्यक्रम भी चलते रहेंगे, भोजन भी चलता रहेगा, और 3-3:30 बजे चाय लास्ट में, फिर हाई टी है, उसके बाद अपने अपने घरों में जा सकेंगे श्री SP अग्रवाल जी। और इस बीच में हमारे जो ट्रस्टी आए हैं उन सबका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, श्री कैलाश जी, विमला बत्सल जी, और अन्य भी कोई जो मुझे नज़र ना भी आए हों, तो उन सबका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं श्री SP अग्रवाल जी। मीट्स के फाउंडर चेयरमैन, आत्मा प्रेरणा स्रोत डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, यहाँ उपस्थित सभी माननीय ट्रस्टीगण और अन्य आमंत्रित अतिथिगण, मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूँगा। मेरा ये मानना है, जब भारत के इतिहास को हम देखते हैं, कि एक वाटरशेड था 10वीं शताब्दी के अंदर, भारत के अंदर 10वीं शताब्दी के पहले क्या था, 10वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, ये हमारी सोच में परिवर्तन हुआ था, जिसकी वजह से हमारा डिक्लाइन हुआ, और हम कभी मुसलमानों के, कभी अंग्रेज़ों के, कभी किसी के, कभी किसी के आधिपत्य में आते गए। वो सोच में परिवर्तन क्या था, 10वीं शताब्दी के पहले भारतीय समाज एक बहुत ओपन माइंडेड समाज था, हम लोग हमेशा ब्रह्मांड के बारे में, अपने बारे में,
हेल्थ के बारे में इंसानों की और साथ में व्यापार के बारे में सोचा करते थे, चाहे नालंदा रही हो, तक्षशिला रही हो, विक्रमशिला रही हो, इन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से चाहे चरक रहे हों, चाहे सुश्रुत रहे हों, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता और भी ऐसे बहुत सारे मनीषी थे जिन्होंने अपनी अपनी खोज की। हमारा व्यापार इस तरफ पर्शियन गल्फ से, उधर रोमन एम्पायर से और पूर्व में साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से इतना व्यापार होता था, हमको व्यापार करने के लिए ये बाहर जाने में, समुद्र पार जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। हम हमेशा ये जानना चाहते थे कि विश्व में और कहाँ पर क्या हो रहा है और उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर कर हम अपने यहाँ उन चीज़ों को लागू कर सकते हैं। उसके बाद हम पूरी तरीके से अंतर्मुखी हो गए, दूसरों के बारे में जानना सीखना बंद कर दिया, यहाँ पर सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बंद हो गई, समुद्र पार करने ऊपर निषेध लग गया, वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा सख्त हो गई। नतीजा ये हुआ कि जब महमूद ऑफ गजनी ने भारत पे अटैक किया 11th सेंचुरी के अंदर, तो उसने तो अटैक करने के पहले अल बरेलवी को यहाँ भेज दिया जानने के लिए कि हिंदुस्तान में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, किस प्रकार का संगठन है राजाओं का और यहाँ पर किस किस्म की मिलिट्री स्ट्रैटेजी हैं, क्या हथियार यूज होते हैं। और अल बरेलवी ने अल बरेलवी की जब आप किताब पढ़ते हैं तो वो कहता है कि भारतीय समाज एक बहुत अजीब समाज है, ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, किस बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो नतीजा क्या हुआ कि महमूद ने जब हमला किया तो वो हमारे बारे में जानता था कि हम संगठित नहीं हैं, वो ये जानता था किस प्रकार की हमारी युद्ध शैली है, किस तरीके से हम लोग सब कुछ करते हैं। नतीजा क्या हुआ, ना सिर्फ एक बार बल्कि 16 बार हमले कर भारत को लूटते हुए चला गया। उसके बाद हमारा डिक्लाइन होता गया, साइंटिफिक रिसर्च बंद हो गई, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन हर एक के ऊपर, यानी जिस देश के अंदर 600 BC के अंदर सर्जरी इतनी एडवांस थी, जिस ज़माने में यूरोप में कहीं सर्जरी नाम की चीज़ नहीं थी, तो उसके बाद वो एकदम ऐसा ब्रेक लगा उसके ऊपर कि आगे सारी खोज बंद हो गई। भारत में इस समय सरकार का और समाज का प्रयास ये है कि वो जो रिनाइसेंस होना चाहिए, कि जो पुनर्जागरण होना चाहिए समाज में, सब लोगों के अंदर, वो लाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाए। उसकी जो शुरुआत होती है वो सोच के साथ होती है, वो एक साइंटिफिक माइंड के साथ होती है। प्रधानमंत्री जहाँ भी कहीं कोई सम्मेलन को एड्रेस करते हैं वो यही कहते हैं कि रिसर्च 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 रिसर्च, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, रिसर्च जिससे हम दुनिया के सामने फिर से उठ के खड़े हो सकें। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अभी प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, जिनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर, सुनकर बड़ा शर्म आती है। उन्होंने सारी की सारी अपनी डाटा कलेक्शन और रिसर्च तो हिंदुस्तान में की। जब उनको नोबेल प्राइज मिल गया तो उन्होंने कहा, मैं अगर भारत में रहा होता तो मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता था। कारण ये है कि डाटा भी कलेक्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद भी आदमी को जो सहारे की ज़रूरत होती है समाज से, सरकार से, वो उपलब्ध नहीं था। जितनी भी रिसर्च होती है दुनिया के अंदर वो सब के सब यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में होती है। नेशनल लैब्स की अपनी इम्पोर्टेंस होती है पर रिसर्च का हमेशा बेसिस यहाँ होता है। आप यहाँ भी देखें तो उतना नहीं है पर अभी भी IITs वगैरह में और एम्स में रिसर्च पेपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। और आप देखते हैं कि वहाँ पर कितने चीज़ IITs में नई इन्वेंट करके वो पेटेंट करा रहे हैं अपना, उस पेटेंट से उनको भी सम्मान मिलता है और साथ में समाज को भी, और उनकी आमदनी होती है इंस्टीट्यूट की और इन्वेंटर की अपनी भी। तो हम लोगों का प्रयत्न ये है कि महाराजा अग्रसेन के अंदर उसी तरीके से जिस प्रकार से IITs में होता है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में होता है या एम्स में होता है,
कि हम यहाँ पर रिसर्च के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहेंगे कि हमारे जो इतनी डिस्टिंग्विश फैकल्टी है ये पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च के ऊपर भी फोकस करें, हमारे बच्चे भी उस प्रकार की कुछ नई नई चीज़ें निकालें, उनका पेटेंट कराएं, क्योंकि उससे ना सिर्फ समृद्धि बढ़ेगी बल्कि साथ में हमारा भी, बच्चों का भी और फैकल्टी का भी, सबका सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग के मार्गदर्शन में हम सब लोग मिलकर इस बारे में सब प्रकार के प्रयत्न करेंगे और मुझे ये विश्वास है कि ऑलरेडी महाराजागर सेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट्स में से आता है, तो हम इसको एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेंगे और साथ में ये कहेंगे कि रिसर्च के अंदर मेट्स इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट में शामिल है। धन्यवाद। अभी लिफ्ट के उद्घाटन के लिए चलेंगे। अभी बैनर्जी के बारे में बताया, सब कुछ यहाँ किया तो उसके कारण एक और भी था, आज़ादी के बाद भारत में रह के शायद ही किसी को नोबेल पुरस्कार मिला हो, परंतु इसके मिलने के अंदर कारण है उसकी बीवी, क्योंकि नोबेल पुरस्कार देने वाले कितने सेकुलर हैं, कितने लिबरल हैं, वो इससे पता चलता है कि उनकी श्रीमती ईसाई ना होती और ये भी ईसाई ना बने होते तो शायद इनको भी अभी नोबेल पुरस्कार ना मिलता, क्योंकि कौटिल्य ने जो कुछ किया हुआ है, चाणक्य ने, उसके ऊपर 12 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं और मेरे पास एक पुस्तक है और 26 तारीख को वो फिर भारत में आ रहे हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, उन्होंने वहाँ ये सिद्ध कर दिया है कि इकोनॉमिक्स का जो शुरुआत जहाँ से हुई है वो चाणक्य की थी और ये सारे 200 साल पहले सो कॉल्ड अर्थशास्त्र जो विश्व का है वो सारे की सारी केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो सारे श्लोक सारे उपलब्ध हैं। वो अभी 26 फरवरी को एक सेमिनार हम कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, परंतु रिसर्च के ऊपर जोर देना है। कल भी हमारे बच्चे जो एलिमनी के आए थे उनमें भी 2-3 लोगों ने रिसर्च पे भी और ई वेस्ट कलेक्शन पे भी छोटे छोटे कामों में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आप जैसे लोग यहाँ जुड़ेंगे, जितने सीनियर दिल्ली यूनिवर्सिटी की DRDO की टीम जो हमसे जुड़ी है, ये पढ़ाई तो आजकल बच्चे खुद ही पढ़ा लेते हैं, इम्तिहान पास करना कोई बड़ी बात नहीं, अटेंडेंस भी इसीलिए पुअर होती है कि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, परंतु आपके माध्यम से IP यूनिवर्सिटी के सिलेबस 8-10 साल जो रिवाइज नहीं हो रहे टाइमली, ये सारी चीज़ें बहुत कहने में सुनने में अच्छी लगती हैं, परंतु सरकार भी उसी गति से काम कर ले और हम सब मिलजुल कर उसके सहयोगी बने तो निश्चित तौर पर हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस देश की भले में और इस देश को आगे बढ़ाने में करेंगे। अभी लिफ्ट नंबर ब्लॉक नंबर 5 जिसका उद्घाटन है श्री ब्रजमोहन जी गर्ग उनका परिवार लेके आप उनमें चले अविनाश जी, और 6 नंबर ब्लॉक की उसके बाद, और इतनी देर साइमल्टेनियसली विनीता जी और आप लोग यह कार्यक्रम भी करते रहें, जो जिनके नाम हैं वो सब उसमें चले, पदाधिकारी चले, बाकी लोग अपना भोजन भी करते रहें, एंटरटेनमेंट भी करते रहें और हम अभी यहाँ 15 मिनट के अंदर वापस आते हैं। वापस आना है।
वापस आ जाओ। कितनी है? 8 लोगों की लगती है। 8 की सबसे आठ लिखा होता है, ये 6 क्योंकि 60 किलो में 68 ये निकाल देना। 60 के एवरेज लेके जो है तो किसी का अगर मान लो 80 किलो आ गया तो 7 हो जाएंगे। 7 रह जाएंगे मतलब ये ओवरहेड हो गई है। 4 में ऑपरेट कर सकते हैं थोड़ा सा जगदीश जी सुंदरलाल जी तो आए हैं विनोद सुंदरलाल घूम के आओ जरा ऊपर चलो चलो छे आगे फोटो नंबर 2 है 075 दुर्श्री गुप्ता 075 सीरियल नंबर 194 संजीत एक है सीरियल नंबर 002 मिसेज ओम गर्ग थैंक यू सर थैंक यू सर। जोरदार तालियां हम सारे यहाँ जितने विनर्स हैं लकी ड्रॉ के लिए। लकी ड्रॉ वाले एक बार हम अनाउंस दोबारा करेंगे इनके नेम सो दैट वो मंच जहाँ भी यहाँ बैठे हैं वो यहाँ पर आके अपने प्राइस दें। Good afternoon, my name is Sudeep and I'm going to be performing a Spanish piece called Gratitude in front of you and then I'll sing a few retro songs. Thank you.
तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मार के दिल का कहा मैं कहीं गा ना रहा क्या करूं मैं जनरुबा बुराए जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया अब हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं हम आप सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके पास उसका आंसर है वो फटाफट स्टेज पे आ जाएगा आर वी ऑल रेडी फॉर द गेम लाउडर फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द लेडीज मैक्सिमम रिंग्स जिसने पहनी हुई है मैक्सिमम रिंग्स स्टेज पे आ जाइए प्लीज Ladies with maximum rings. We have only one. Five rings. Anyone more than that? So she is the winner. Ma'am, aapka name? Hi guys, Sidbi here. Congratulations. Taliya bajti rahe please. Second question. ये सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए है का खा गा किसको पुराता है का खा गा आइए आइए स्टेज पे आइए जिनको भी आता है का खा गा आ जाइए आ जाइए आ जाइए आप ही आ जाइए विकास गुप्ता स्पोर्ट्स से है स्पोर्ट्स वालों को का खा गा क्यों नहीं आता होगा कहाँ से शुरू करूँ मैम कहाँ से ही शुरू करना है आज तो नहीं शुरू करना क ख ग घ अं च छ ज झ इं ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह क्षत्र ज्ञ बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया उमदा बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस श्रुति मैम आपको भी आता है प्लीज आ जाइए मंच पे आप श्रुति मैम ये क ख ग घ न च च च ज न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ह स क्षत्रज्ञ क्या बात है तालियां तालियां तालियों की आवाज नहीं आ रही मैम चॉकलेट लेकर जाना मत भूलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन हैविंग मैक्सिमम आईडी प्रूफ्स किसकी पॉकेट में क्या है जल्दी देख लीजिए किसके वॉलेट में क्या है आईडी प्रूफ जिसके पास सबसे ज्यादा है सुंदरलाल गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत मंच पर ही इज हैविंग मैक्सिमम आईडी प्रूफ दोनों को दोनों को मां हमारे पास एक मैम भी है मिसेस कैलाश जी आ जाइए मंच पे आ जाइए सर आप भी आ जाइए प्लीज आइए आइए आप भी लीजिए ना तालियां तालियां सारे आ जाइए जिनके पास आईडी प्रूफ है सब आ जाइए एक फोटो भी खिंचवा दो सर मैक्सिमम मनुष्य अब सारे आ गए एक फोटो बहुत बढ़िया
बहुत चाकू सर आइए एक ग्रुप फोटो करवाते हैं बटर क्लिक हां जी एक ग्रुप फोटो भी फोटोग्राफ एक मिनट मैडम जी एक मिनट तालियां तालियां क्यों नहीं आ रही तालियों को भी कंपटीशन करवाते हैं सर आइए पक्का हाँ भैया खींच लेना एक सेकंड चार है मेरे पास आ जाइए सर आ जाओ यार आप तो मेरे से ऊपर आ गए हैं तालियां बजती रहे पांच वाले भी है पांच वाली दो खींच लो चलो पांच पांच वाले आ जाओ एक दो चॉकलेट्स थैंक यू सर सबका बहुत बहुत धन्यवाद अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि वैष्णो देवी का जो खजाना होता है वो किसकी पॉकेट में है वैष्णो देवी का खजाना पॉकेट में हो जिसकी कौन माँ का आशीर्वाद साथ लेकर चलता है अरे वाह मेरे पास भी है क्या बात है माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे हमेशा तालियां बजा दीजिए प्लीज क्लैपिंग क्या बात है सर दो चॉकलेट सर के लिए दो चॉकलेट नहीं सर क्या बात है सर थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद सबका हमारे पास एक और भी है एक चॉकलेट और दो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फैमिली पिक्चर इन द वॉलेट फैमिली पिक्चर इन द वॉलेट नहीं वॉलेट हार्ड कॉपी ऑफ द पिक्चर मॉल में तो सारी फैमिली वैसे ये मेरे पास है तो अगर कोई मुझे चॉकलेट देना चाहे तो मैं दूंगी इसको थोड़ा चेंज करते हैं किसी फीमेल के पास अपने हस्बैंड की पिक्चर और किसी हस्बैंड के पास अपनी वाइफ की पिक्चर इन द वॉलेट हार्ड कॉपी बच्चों के पास पेरेंट्स की अगर इकट्ठे पिक्चर है तो लेके आइए ये बहुत बड़ी बात है कि जो अपने माँ बाप को अपने एक इंस्पिरेशन समझता है उसकी पिक्चर साथ लेके घूमता है वेरी गुड एंड यस ही हैज अ पिक्चर साथ में वाइफ की पिक्चर साथ में हैट्स ऑफ टू यू सर जोरदार तालियां वाइफ की फोटो सर के पास और ये बच्चे के पास मम्मी पापा दोनों की फोटोग्राफ वेरी गुड सर के पास सर कंग्रेचुलेशंस आई कार ओके वेरी गुड रेड कलर सॉक्स किसने पहनी है ये क्वेश्चन मेल्स के लिए है स्पेसिफिकली एनी पर्सन हु इज वेयरिंग रेड कलर सॉक्स कैन कम अप ऑन स्टेज एंड ग्रैब योर प्राइस फॉर चॉकलेट रेड कलर सॉक्स ओके लेट्स चेंज द क्वेश्चन येलो कलर सॉक्स We are still waiting. चलो इसको चेंज करते हैं बच्चों के लिए गर्ल्स का यूजली कलर होता है पिंक और बॉयज का कलर होता है ब्लू इसको अदर वे राउंड करते हैं ऐसा बॉय जिसने पिंक कलर पहना है और गर्ल जिसने ब्लू कलर पहना है वो मंच में भागते हुए ब्लू ब्लू कलर
Oh, we got every color in her socks. So she's deserved one chocolate. Most colorful socks. Okay. एक टम ट्विस्टर खेले छोटा सा. हमारे बीच मनीष गुप्ता जी मौजूद हैं, सन ऑफ श्री रजनीश गुप्ता जी, सेक्रेटरी नेट्स. हम चाहेंगे कि आपका स्वागत डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी करें. मनीष गुप्ता जी, गौरव जी स्वागत करेंगे. सर, सेंटर स्टेज में मनीष गुप्ता जी का स्वागत करें डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी. जो टंग ट्विस्टर हमारे साथ यहाँ ट्राई कर सकता है. कम ऑन, वी हैव वन पार्टिसिपेंट. ये बच्चे ने सबसे पहले वॉलंटियर किया. कम ऑन स्टेज बाप के, जल्दी आइए. इंग्लिश में वी विल गिव यू एंड यू हैव टू ट्राई दैट. ओके, ट्रांस करो फेस. ओके, आपको बोलना है नीली रेल लाल रेल 10 बार. लाल रेल, रेल नीली रेल लाल रेल, नीली रेल. आप पहला ही नहीं बोल पा रहे. 10. नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल. वेल नहीं, वेल नहीं, रेल. नीली रेल, नीली रेल लाल रेल. वेरी गुड. अब ये अब ऐसे 10 बार ही बोलो. स्टार्ट करो. रेडी स्टेडी ऑन. नीली रेल लाल रेल, नीली ले नीली रेल लाल रेल, नीली ले नीली रेल लाल रेल. एटलीस्ट यू ट्राइड. ही डिजर्व अ चॉकलेट एटलीस्ट. ही इज द वन हु वॉलंटियर्ड दिस ऐप. ओके, एनीबडी एल्स हु कैन ट्राई दिस टंग ट्विस्टर. वी हैव वन मोर. ओके सर, टिकट नंबर 288, टिकट नंबर. आज के लकी ड्रॉ के पुरस्कार वितरण के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री टी आर गर्ग जी, जनरल सेक्रेटरी मेट्स, अविनाश अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी मेट्स, सुंदरलाल जी और आदरणीय ट्रस्टीगण पुरस्कार देंगे. और हमारे बीच तीन तीन पुरस्कार हैं, तीन स्टाफ के और तीन ट्रस्टीज के. और पुरस्कार मिसेस ओम गर्ग मैम को पुरस्कार देता हूँ. पुरस्कार दीजिए. कैश प्राइज है ये, थर्ड प्राइज आपको मिलता है. इसके बाद सीरियल नंबर 75 ये दर्शना गुप्ता जी हैं, सीरियल नंबर 75 ट्रस्टी में से जी. और तीसरी जो पर्ची है वो ब्रिगेडियर कक्कड़ सर की है. ब्रिगेडियर कक्कड़ सर फर्स्ट प्राइज लिखा हुआ दीजिए ब्रिगेडियर कक्कड़ जी के लिए. ब्रिगेडियर कक्कड़ जी के लिए. अब इसके बाद स्टाफ में से हमारे पास है श्री सुंदरलाल गोयल जी, श्री कमलेश गर्ग जी आपको भी पुरस्कार है, और यशपाल सिंह जी पर्ची नंबर 288. यशपाल जी 288 संजीत, संजीत हमारे बीच है, एक प्राइज आपके लिए है. सीरियल नंबर 194 संजीत अब लाइब्रेरी में है, मेम्स में. संजीत जी को पुरस्कार देते हुए आदरणीय अग्रवाल जी, यशपाल जी दर्शना उषा मैम जी लेना चाहते हैं दर्शना गर्ग जी का. आइए मैम, आइए पुरस्कार. हम आपका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ. आदरणीय उषा गर्ग जी, तालियां होनी चाहिए. ये लकी ड्रॉ हमारे 6 लोगों ने जीता है और ये किस्मत का फेर है किस अंक को क्या मिला.
लेकिन पुरस्कार मिलना बड़ी बात है, मंच पर आना, पुरस्कार मिलना, सम्मान मिलना बड़ी बात होती है, इसलिए तालियां जरूर बजाएं। इसी के साथ आज का हमारा ये लकी ड्रॉ कार्यक्रम संपन्न होता है, और आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए, मैं डायरेक्टर मेम्स डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। A very happy good afternoon to all of you. Humble duty of giving vote of thanks to all of you. But in fact, it is nobody's function. It is the function, it is an association, it's a get together of all of us. We are here. And we find that this is a very, very humble function and event which organized by the trustees, management of this institute. Might probably we don't see this type of example when the management or governing body of a college, of an institute, even if once in a year, they call the family, whole family of the all the staff, faculty, anybody, starting from the PM to professor or director, all the family members, they are invited, and for the whole day they are here, and they get the entertainment also. They get a very close connectivity and association with all the trustees, senior professors, faculties, and of course the very good hospitality we have here. Might probably this is one of the very best example we see, so we are thankful for that, of course, to the top management, to the governing body, to the our founder chairman Dr. Nand Kishore ji, who has been practicing this event for so long. So thanks to goes to him, to the top management, also to all the trustees who have organized this event and given a chance to all the faculty members and staff members' family to associate and to meet at least once a year. Thanks also goes to all the faculty members and staff of MED and MAINS who have contributed to organize this event. Over and above, thanks goes to our chief guest, Shri Brij Mohan Garg ji, who is the chairman, Maharaj Agarsan Welfare Society. Shri Vinit Kumar Gupta ji, patron mates, though he could not be available. And all the other guest of honor, Shri Ramchandra Charya ji, Shri Sundar Lal Garg ji, Shri Umesh Gupta ji, Jagdish Mittal ji, engineer Ravinder Kumar Gupta ji, Shri SP Goel ji, who have been their presence in this campus for their blessings, and moreover, who have generously contributed for the inauguration of the lift, two lifts, which has been inaugurated recently in the academic block number 5 and academic block number 6. They have also contributed very generously for the installation of these two lifts. And also they have been present here with their family in this family get together. All other trustee members also, all the students also who have contributed and made this function as a success, either by giving cultural events or have been contribution in the reception. And also some students, if you have seen also, they are clicking photography continuously. They are the students of our one old society of the journalism department, Wattekle. Thanks goes to them also. You have also seen a flower show just in the in between the boys hostel and the academic block number 2, which has been organized for the so long also. And for them, thanks goes to Professor Pramod Sagar, Professor N.K. Kakkad, Professor I.M. Kapahi, for their contribution. And at last, again, all of you who have been here, who have their presence, who have associated and assembled, and by these presence, this function has become a great success. Thanks a lot to all of you once again. And before that, I would say 3 times, and you would say Jai Bharat Mata Ki, Hindu Samrajya Ki, Maharaja Agarsen ki. Thank you once again.